सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही और सोनीपत में चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सोनीपत के शास्त्री नगर में बने एक मकान में एक शातिर चोर ने मकान में सीढ़ी लगाकर 4 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और जाते जाते मकान मालिक पर हमला भी किया। चोर के मकान में घुसने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। सोनीपत सिटी थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में चोरी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी की तस्वीरें सोनीपत के शास्त्री नगर के एक मकान से आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि एक शातिर चोर मकान में पहले सीढ़ी लगाता है और सीढ़ी के जरिए मकान की पहली मंजिल पर दाखिल हो जाता है और बुजुर्ग मकान मालिक के तकिए के नीचे रखे 4 लाख रुपए चुरा कर फरार होने से पहले इस चोर ने बुजुर्ग मकान मालिक पर हमला भी किया। हालांकि चोरी की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से जांच में जुट गई। मेरा नाम राम फड़िया जी और मैं यहाँ शास्त्री कॉलोनी नियर रेलवे बाईपास फाटक का रहने वाला हूं और मैं खाना खा के अपने कुत्ते को थोड़ी देर के लिए घुमाने के लिए कहा था। मकान के साथ ही है ग्राउंड में, तो वहाँ से मैं वापस आ गया, कुत्ता मेरे से पहले आ गया, तो मैंने कुत्ता बांध कर मैं सोने के लिए अपने मकान की कुंडी लगा करके ऊपर गया। मैं ऊपर सोया करता हूँ अपने ऊपरले वाले कमरे में, तो वहाँ मैंने बाहर ऊपर वाले कमरे से बाहर निकल के देखा, नीचे लिखा के देखा तो वहाँ सीढ़ी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा फिर मैं दोबारा नीचे आ जाता हूँ जी। नीचे आके मैंने मैंने अपनी पत्नी और अपने पोता पोती पूछे मैं सीढ़ी किसने लगाई, बोले हमें तो पता नहीं किसने लगाई। तो मैं अपना मोबाइल चार्ज करे अपने वहाँ से सीढ़ी उठा के अपने मकान के साथ जो मंदिर माता काली का मंदिर में रख देता हूँ। तो इसके बाद मैं फिर पुंदी लगाकर अपनी चारपाई पर सो जाता हूँ। तो थोड़ी देर के अंदर मेरी आँख भी नहीं लगी थी ऐसी, तो फिर मेरे साथ एक चोर आता है जो कि हाथों में दस्ताने पहने हुआ था और मुंह पर पट्टी बंधे हुआ था। मैं उसको पहचान भी सका कौन है, तो उसने मेरा गला दबाने की कोशिश करी और फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर वो मेरे सिर तकिए के नीचे बिस्तर के नीचे पैसे रखे हुए थे 4,10,000 रुपये, वो 4,10,000 रुपये लेकर भाग निकला। तो मैं नीचे आ गया, नीचे मेरा लड़का फिर बाहर गया हुआ था, ये फिर घुमाने से आया, फिर इसने कैमरे चेक करे ऐसे पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस को 112 पर कॉल की मेरे लड़के धर्मेंद्र ने। फिर पुलिस 4,10,000 रुपये की बात कर रहे हैं आप, तकिए के नीचे रखे हुए हैं, तो ये कैसे कहाँ से पेमेंट आई थी? ये पेमेंट मेरा लड़का राजेश है जो मेरा बड़ा लड़का, उसने बालाजी फर्नीचर हाउस की दुकान बीज मार्केट में कर रखी है, वो मुझे 3 दिन पहले पैसे दे के कहा था ले बाबू ये पैसे रख ले किसी काम के लिए, तो मैंने वो अपने तकिए के नीचे रख लिए। शिकायत दे दी आपने फिर? हाँ, शिकायत पुलिस को मैंने शिकायत दे दी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने घर पर सो रहा था, तो रात के समय एक व्यक्ति उनके घर में घुस के और 4,10,000 रुपये चोरी करके ले गया है। सीसीटीवी भी सामने आई सर कुछ? जी, जिस संबंध में उसकी सीसीटीवी में फोटो भी आई है और पुलिस जो है इस संबंध में प्रत्येक पहलू को देखते हुए इसकी तफ्तीश में जुटी हुई है। सर 4 लाख रुपये तकिए के नीचे रख के सो रहा था क्या? जी, जो मुदई द्वारा बताया गया है उसने बताया भाई 4,10,000 रुपये मैं अपने चारपाई पे सिर के नीचे रखे हुए था। देर रात वारदात को अंजाम दिया जी।